तो अतीत जी, आज आपके साथ हम यूजर फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूजर फॉर्म का पहला एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं आपके सामने। हम सर। बताना चाहते हैं कि हमारे पास एक फाइल है, फाइल में हमारे पास तीन लोग हैं जो कि काम करते हैं, ठीक है, चौथा हमारा एडमिन सीट है। अब प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूं कि बंदा ओपन करे, ओपन करने से पहले एक पॉपअप में यूजर नेम एंड पासवर्ड डाले। जो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालेगा जिस सीट का होगा, और सिर्फ उसी सीट पे जाए, बाकी सारे सीट उसकी हाईलाइट हो जाए, मतलब कि हाइड हो जाए। मतलब कि हर कोई को दो सीट का एक्सेस होगा, पहला वेलकम और दूसरा जिसका उसने पासवर्ड डाला है। राइट सर? अतीत जी, समझ में आया आपको क्या करना है? यस सर, राइट तो सर। सबसे पहले हम यहाँ डेवलपर पे जाते हैं और जाते हैं विजुअल बेसिक पे, और हम यहाँ बुक 10 पे रहे हैं। हमारा ये बुक 10 है ना, हमारा बुक 10 के ऊपर है एक, जिसमें हम सबसे पहले डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे वर्कबुक, और वर्कबुक में हम यहाँ पे हम करते हैं क्लोज, बिफोर क्लोज, मतलब फाइल को क्लोज करने से पहले ही हम यहां पे करते हैं कि फोर आई इक्वल टू, चले 1 2 सीट्स डॉट काउंट, सीट्स डॉट काउंट। और फिर यहां पे नेक्स्ट आए, और यहां कंडीशन देते हैं कि इफ सीट्स, यहां पे आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू वेलकम, जो हमने बाहर सीट दे रखा है, क्योंकि वेलकम एक सीट तो अनहाइड होनी चाहिए ना सर, वेलकम, देन वन डॉट विजुअल वेरी हिडन, और सीट वन के जगह पे हम यहां पे वेरी हिडन कर दिया था, क्या हो जाएगा कि बाहर से अनहाइड नहीं कर सकता, उसको वीवी कोड से ही अनहाइड करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि फाइल को क्लोज करने से पहले हर एक सीट को बंद कर देगा, क्या कर देगा, हर एक सीट को बंद कर देगा, बिल्कुल समझे। और सेम चीज मैं यहां पे एक बटन बनाता हूं यहां पे, और इस पे भी हम सेम करते हैं। तो इसके लिए हम यहां पे इंसर्ट मॉड्यूल, और यहां पे हम सब सीएल, ठीक है, और फिर हम बटन के ऊपर असाइन मैक्रो करता हूं और सीएल को सिलेक्ट करता हूं, एडिट हो जाएगा, लॉग आउट। लॉग करने पे भी सारे शीट हाइड हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लॉगिंग का, लॉगिंग लॉगिंग का, तो लॉगिंग के लिए हम यहां इंसर्ट करते हैं यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म को अपने हिसाब से हम रिसाइज करते हैं, ठीक है, और फिर यहां हम लेबल पे आते हैं। लेबल पे आने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं यूजर, एक और लेबल लेता हूं जिसमें होगा पासवर्ड, डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है सर। यस सर। फिर यहां से हम चेक बॉक्स, यहां से लेते हैं ए टेक्स्ट बॉक्स, हम नेम के लिए नेम डाल यहां डाल देते हैं, और यहां हम एक और बार क्लिक करते हैं इसको, और पासवर्ड का डिजाइन कर देते हैं। उसके बाद नीचे हम यहां यहां पे बटन देते हैं, बटन में हम यहां पे लॉगिन का देते हैं,
लॉग। अब लॉगिंग बटन पे यहां पे हम लॉगिंग बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहां कमांड होगा सबसे पहले कि जो टेक्स्ट बॉक्स में जो नाम और नंबर डाला गया है वो नाम और नंबर एडमिन में दी गई इससे मैच होना चाहिए। ओके यहां पे हम दो वेरिएबल लेते हैं कि डिम आईडी आईडी कॉमा पासवर्ड एज ए स्ट्रिंग। अब यहां पर आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वी लुकअप वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप और वी लुकअप में हमने क्या कर दिया मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इसमें शीट्स एडमिन डॉट रेंज ए से लेके बी कॉमा टू कॉमा जीरो। कंडीशन होगा कि इफ ID इक्वल टू नहीं पासवर्ड पास इक्वल टू आई डी। आई डी की जगह पे भी कर सकते हो ना आप यहाँ पे मतलब कि ID को हमने क्या किया हुआ वैल्यू को लुकअप किया है लुकअप करने के बाद इसका पासवर्ड एक मैं आईडी हटा देता हूँ पासवर्ड ही रखता हूँ माफ कीजिएगा पासवर्ड पासवर्ड इक्वल टू मी डॉट टेक्स बॉक्स टू डॉट वैल्यू। ऐसा हुआ देन और यहां पे फिर एल्स एल्स भी देना है ना हमें तो अगर ओके हुआ तो क्या करना है हमें फोर आई इक्वल टू चले मी डॉट नहीं आई इक्वल टू वन टू शीट्स डॉट काउंट माई यहां पर हो गया। इफ कंडीशन होगा कि इफ शीट्स I dot name is not equal to welcome यहां पे क्या होगा क्योंकि वेलकम शीट चाहिए होगा तो वेलकम और शीट I dot name is not equal to होगा मी डॉट टेक्स वर्क्स वन डॉट वैल्यू देन ईट वन डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन सीट वन के जगह पे सीट्स के जगह पे आई हो जाएगा एंड इफ और यहां पे नेक्स्ट आई। उसके बाद हम यहां करेंगे सीट्स और हो जाएगा मी डॉट टेक्स वॉक्स वन डॉट वैल्यू डॉट ये आपका विजुअल इक्वल टू एक्सेल ठीक है सर।
एल्स में हमें क्या करना है। अब यहां पे देखिए ए जो आपको दिख रहा है ना, सीएल दिख रहा है ना सर, अब इसको कई जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, उस केस में हम इसको फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन CLA ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसमें हम इसको डाल देते हैं करके पेस्ट, और यहां P इक्वल टू CL ब्रैकेट ओपन CLA ब्रैकेट ओपन क्लोज, जहां भी चाहिए हमें बस यूज करना है यहां पे। तो यहां भी हमें चाहिए होगा, तो यहां भी हम सेम क्या कर रहे हैं, P इक्वल टू सी एल ए ब्राइकेट ओपन क्लोज। तो ये क्या हुआ कि मान लीजिए पासवर्ड गलत दिया तो यहां मैसेज देगा एम एस जी बॉक्स, यहां बोलेगा पासवर्ड इन सर क्लियर है। अब फिर यहां पे हमें एक बटन बनाना है, सब्जेक्ट लॉग आई के नाम से हमें बटन्स पे देने के लिए, यहां होगा यूजर फॉर्म वन डॉट शो, हमने यहां भी हिडन तो करवाया नहीं, तो यहां हमें एक कमांड और करना होगा अनलोड मी, ठीक है ना, मतलब यूजर फॉर्म को क्लोज करने के लिए अनलोड बोला जाता है, मी मतलब एक्टिव यूजर फॉर्म होता है। अब इसके बाद हम आते हैं वेलकम सीट पे, सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके यहां पे एक बटन बनाता हूं और बटन पे हम लॉग इन को और फिर इस पे हम पासवर्ड डालते हैं, सॉरी यहां पे लॉग इन, ठीक है। सबसे पहले मैं लॉग आउट होता हूं, क्लिक एक मिनट, यहां पे कुछ दिक्कत है, शीट नहीं यहां पे सीट्स होगा, माफ कीजिएगा छोटी सी दिक्कत आ गई है, सीट्स ठीक है। तो सारे सीट हाइड है, सारे सीट हिडन है। यस सर। अब लॉगिन पे क्लिक करता हूं, हम यहां डालता हूं पूजा, यहां आता हूं 23, हमने बोला सीट वन डॉट नेम वेलकम नॉट इक्वल टू वेलकम, और सीट वन नेम डॉट इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट पूजा, अब यहां पे प्रॉब्लम आ गया सर, पूजा तो है ही ना, वेलकम शीट को यहां पे वन से नहीं, यहां हमें टू से रन कराना होगा, ठीक है सर, क्योंकि एक सीट तो अनहाइड होगा ही होगा, पहली सीट वेलकम पोजीशन में पहली होगी, ठीक है। मी डॉट पूजा विजुअल थ्री डॉट विजुअल इक्वल टू, ओके एक्सेल सीट विजुअल था, माफ कीजिएगा यहां पर गड़बड़ हो गई थी, एक्सेल सीट विजुअल, ठीक है पूजा का नाइट हो गया,
मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट हो गया, लॉगिन किया, हमने यहाँ पे दिया पूजा, यहाँ पे दिया 23 पासवर्ड, लॉगिन किया। तो याद दिख रहा है आपको सर? यस सर। तो लॉगिन मैं यहाँ पे डालता हूँ पूजा, और यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड इनकरेक्ट, दिख गया सर? यस सर, मैसेज। और पूजा जो था वो भी हाइड हो गया। यस सर। ठीक है सर, बोलिए। वो समझा दीजिए एक बार फ्लो पूरा। क्या चीज को समझा दूं? ये जो पूरा ये कोडिंग, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले कोड किया कि भाई एक फंक्शन बनाया कि जब भी फाइल क्लोज होगी या ओपन होगी तो जितने भी सीट एक्टिव है सबको डीएक्टिवेट कर देगा, सिर्फ पहला वेलकम सीट को छोड़ के, ठीक है, कर देगा, समझे? ठीक है, ओके। और इस सेम कोडिंग हमने यहाँ लॉगआउट पे भी लगाया कि लॉगआउट करते समय भी सारे शीट को हाइड कर देगा, सिर्फ वेलकम शीट जो है वो अनहाइड होगी। वेलकम शीट अनहाइड करने का पर्पस ये है कि फाइल में एक शीट अनहाइड होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक यूजर फॉर्म बनाया जिसमें आईडी और पासवर्ड होगा, हमने लॉगिन में कमांड दिया, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया पास और हमने वीलुकअप लगाया, मतलब कि जो यूजर फॉर्म इसमें जो आईडी हम डालेंगे उस आईडी को हमारे एडमिन सीट में लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है ना, लुकअप कर रहे हैं, एडमिन से लुकअप करके बी कॉलम पे पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहां डाल देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि पासवर्ड इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, अगर मैच कर, क्योंकि आईडी तो मैच कर चुका है ना, आईडी मैच किया तभी तो पासवर्ड लेके आया। यहाँ पे हमने पासवर्ड मैच कर लिया कि जो वीलुकअप ने पासवर्ड दिया है वही यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स 2 में पासवर्ड डाला है नहीं डाला है, अगर डाला है तो सीट 2 से मैं एक पहली वेलकम सीट को छोड़ के बाकी जितने भी सीट्स हैं सारे सीट्स को वेलकम सीट्स और जो नाम उसने डाला हुआ है पूजा उसको के सारे सीट को हाइड कर देगा। हो सकता है कि पूजा पहले से हाइड हो, यहां पे हमने उसको अनहाइड कर दिया और फिर यूजर को यहां से हम रिमूव कर दिए। क्लियर है? क्लियर है सर। फिर हमने बोला, फिर हमने अगर मान लीजिए कि अगर पासवर्ड गलत डाला हुआ है तो एल्स आएगा क्योंकि फिर वो कंडीशन तो मैच करेगा नहीं है, क्या सर? ठीक है, एल्स में हाँ होगा कि भाई मैसेज पासवर्ड जो है इनकरेक्ट है, और हमने CLA फंक्शन चलाएंगे जो कि हमने बनाया हुआ था यहाँ पे CLA फंक्शन। ओके सर। CLA फंक्शन क्यों बनाए? क्योंकि मुझे यहाँ भी यूज करना है, वहां भी यूज करना है, और ये दिस वर्क दिख रहा है बिफोर क्लोज आ रहा है इसमें भी यूज करना है, तो यहाँ भी हम कर देते हैं P इक्वल टू CLA ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। और वर्कबुक जब ओपन होगा उस समय भी CLA ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। तो वर्कबुक क्लोज करने से पहले क्या करेगा, वेलकम सीट को छोड़ के जितने भी फाइल उसको क्लोज कर देगा। ऐसी प्रॉब्लम हुई कि कभी अगर ऐसा हुआ कि भाई क्लोज नहीं था तो जैसे वो फाइल ओपन करेगा तो सारे सीट्स को हाइड कर देगा, हाइड कर देगा। उसके बाद हम यहां लिखा हमने यूजर फॉर्म 1 डॉट शो, जैसे ओपन करूंगा मुझसे यूजर फॉर्म मांगेगा, यूजर फॉर्म मांगेगा, आईडी पासवर्ड मांगेगा, जो आईडी पासवर्ड डालूंगा वो उसी सीट पे ले जाएगा। जी जी ठीक है, ठीक है। मैं एक बार इस फाइल को सेव कर देता हूं, सेव करता हूं यहां डाउनलोड में और यहां पे लॉग, लॉगिन के नाम से, ओके, लॉगिन के नाम से डाउनलोड। सर ये जो आपने यूजर फॉर्म में कमांड लगाया था मी डॉट टेक्स्ट वाला, तो मी जो है मी वो यूजर एक्टिव फॉर्म, जैसे एक्टिव एक्टिव शीट होता है ना, हाँ वैसे मी होता है एक्टिव एक्टिव फॉर्म, एक्टिव यूजर। ओके ओके ओके, हमारा इसको ओपन किया,
तो मतलब जो भी यूजर फॉर्म देखिए, एक्टिव होगा वो मी से होगा। यहाँ देखिए पासवर्ड मांग रहा है, हाँ यहाँ पे हमने दे दिया पूजा, या एडमिन करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे एडमिन और एडमिन का पासवर्ड डाल दिया, देन लॉग इन। एडमिन का पासवर्ड खुल गया। यस सर। अब यहाँ पे बात आती है कि हम जब पासवर्ड डालते हैं तो दिखता है, नहीं दिखना चाहिए। हाँ तो यूजर फॉर्म पे आते हैं, सबसे पहले यूजर फॉर्म का जो टाइटल है फॉर्म वन उसको चेंज करते हैं, इसको यहाँ नाम डालते हैं लॉग इन फॉर्म। ठीक देख यहाँ पे कैप्शन में डाल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, लॉग इन। उसके बाद पासवर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे यहाँ जो हम प्रॉपर्टी जिसी लेते थे, ठीक है ना, इसे पास करेक्टर करके आएगा, पास करेक्टर आ गया, पासवर्ड करेक्टर। तो करके यहाँ पे हैश डालना है, स्टार डालना है, इट्स योर चॉइस। ओके अब जैसे अपने सीट पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग आउट होता हूँ पहले, फिर लॉगिंग पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं पूजा, अब यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, तो देखा, हाँ लॉगिंग क्लिक कीजिए, आपका पूजा का लॉगिंग हो गया, ठीक सीट आ गया। ठीक वन प्रॉब्लम, जब लॉगिंग सीट पे करेंगे तो मैं यहां से बंद कर सकता हूँ फाइल फॉर्म को, दिख रहा है ना सर? तो ऐसा नहीं होगा, आपको रिसर्च करना है। आपको क्या करना है, हाँ रिसर्च करना है कि मेरा जो यूजर फॉर्म है यहां से बंद, ओके ठीक है, ठीक यूजर फॉर्म यहां से बंद नहीं होना चाहिए ये फाइल। अच्छा और एक ये सर मेरे को भेज दीजिए। अच्छा और एक चीज सर, ये यूजर फॉर्म में जब पासवर्ड डालते थे तो अगर दो कैरेक्टर का पासवर्ड है तो दो बार हैश लिख के आता था वहां पे, तो हाँ उससे यूजर को ये पता चल रहा था कि दो कैरेक्टर का पासवर्ड हो सकता है। सो तो सर, इसमें हमें ऐसा मतलब वो तो आप डाल जो जो डाल रहा उस समय दिखेगा ना, हाँ हमेशा थोड़ी दिखता रहेगा। हाँ वो है हाँ वो तो आप ऐसे भी अगर जीमेल पे पासवर्ड जैसे जैसे डालते थे करेक्टर दिखाता है, वो थोड़ी हटा जा सकता है, हाँ वो है हाँ तो आपको भी दिखता है ना पासवर्ड, वो तो है कि दो करेक्टर तीन का वो तो दिखता ठीक है। तो अगला ठीक है क्या क्लोज है कि आपका यूजर फॉर्म वहां से क्लोज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस पे आप रिसर्च करें, आप नहीं कर पाएंगे तो कल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक नहीं है, नहीं करते हैं ठीक है सर। ओके ओके बाय। थैंक यू सर गुड नाइट।